अपने ही समुदाय को घेरने से सुर्खियों में रहने वाले नियाज खान ने एक बार फिर ट्वीट कर मुस्लिम समुदाय को घेर दिया है। नियाज खान ने मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ी है उसने एक बड़ी समस्या पैदा कर दी है। जब तक मौलवी मदरसा सिस्टम चलेगा तब तक तार्किक सोच नहीं आएगी, केवल सही शिक्षा ही इसे नियंत्रित कर सकती है। आईएस नियाज खान ने मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताते हुए ट्वीट किया है, जिस पर अब हंगामा बरपा गया है। नियाज खान ने साफ शब्दों में ट्वीट करते हुए लिखा है कि दुनिया में जिस तरह मुसलमान आबादी बढ़ी है उससे बड़ी समस्या पैदा कर दी है। अफ्रीका में तो 10-10 बच्चे हो रहे हैं, हमारे देश में भी निचले तबके में यही हाल है। जब तक मौलवी मदरसा सिस्टम चलेगा तार्किक सोच नहीं आएगी, केवल सही शिक्षा ही इसे नियंत्रण कर सकती है। ट्वीट पर कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हाफिज ने कहा कि ये विवादित टिप्पणियां करते रहते हैं ताकि सुर्खियों में रह सके। मध्य प्रदेश सरकार ने कई बार उनके बयानों को दरकिनार किया है और उन्हें नोटिस भी दे चुके हैं। अपनी किताब लिखने की वजह से वो जेल भी जा चुके हैं। इसके बाद भी जो वो बयान दे रहे हैं उसका धरातल से कोई संबंध नहीं है। दोस्तों नमस्कार, आज ही मैंने मॉर्निंग में मुस्लिम आबादी को लेकर एक ट्वीट किया था जो पूरे विश्व के संदर्भ में था, और खासकर जो आबादी 2 अरब हो गई, विश्व की आबादी टोटल 8 अरब है और जिसमें 2 अरब मुस्लिम्स हैं जो 57 देशों में रहते हैं, लेकिन अधिकतर की स्थिति बहुत ही खराब है। खासकर अफ्रीका के अंदर 10-10, 15-15 बच्चे हो रहे हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के अंदर भी यही हाल है। सीधा सीधा आबादी बढ़ने से जीवन प्रभावित होता है और जो हमारी पुरानी मदरसा शिक्षा पद्धति है उसमें परिवर्तन की आवश्यकता। अगर हम बच्चे को बचपन से विज्ञान के साथ साथ तो धार्मिक शिक्षा भी पढ़ाएं तो उससे तार्किक क्षमता होगी और लोग छोटे परिवार के बारे में प्लानिंग करेंगे। तो मेरा उद्देश्य यही था कि पूरे दुनिया के मुसलमानों को अब सोचना पड़ेगा कि जिस प्रकार धरती की आबादी बढ़ रही है, धरती विनाश की ओर पहुंच रही है, भयंकर पर्यावरण संकट आ रहा है। अगर हमारी आबादी सीमित रहेगी तो हम परिवार को बेहतर ढंग से चला पाएंगे, अच्छी जीवन जी पाएंगे और बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिला पाएंगे। तो मेरा उद्देश्य यही है कि मुस्लिमों के मॉडर्नाइजेशन के लिए और एजुकेशन के लिए बहुत जरूरी था, और इसी से लेकर मैंने ट्वीट किया हुआ है कि छोटा मुस्लिम भाई सारा छोटा परिवार रखें और बच्चों को बेहतरीन एजुकेशन दें और धार्मिक शिक्षा के साथ साथ उनको वैज्ञानिक शिक्षा भी बचपन से दें ताकि बेहतर संसार बनाया जा सके। देखिए, नियाज खान जी विवादों में रहना जानते हैं, विवादास्पद अधिकारी रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार भी उनके बयानों से कई बार किनारा कर चुकी है, और मध्य प्रदेश की सरकार जहाँ तक मुझे याद है उनको शो कॉज नोटिस भी एक बार दे चुकी है। किताब लिखने के लिए, नॉवल लिखने के लिए जेल में चले गए थे बहुत दिन रहने के लिए, अंडरवर्ल्ड पे किताब लिखी थी, और अब जो बयान दे रहे हैं उसका धरातल से कोई संबंध है ही नहीं, वास्तविकता से कोई संबंध है नहीं। किसके 10-10 बच्चे हो रहे हैं भोपाल में, मुझे एक केस बताइए आप आज के ज़माने में कि साहब ये 10वां बच्चा इनके यहाँ हुआ है, मैंने तो नहीं देखा। और मनसुख मांडविया जी केंद्रीय सरकार के मंत्री, राकेश सिन्हा जी बीजेपी के सांसद, वो लाए थे प्राइवेट मेंबर बिल, तो मंत्री जी ने कहा था सदन में खड़े होकर राज्यसभा के अंदर नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। हर धर्म में गिरावट आई है ग्रोथ रेट के अंदर, मुस्लिम समुदाय में बहुत तेज़ी से गिरावट आई है। आज महंगाई के इस दौर में किसी की हिम्मत नहीं है पालन पोषण की, लोग बच्चों से परहेज करने लगे हैं, अब 10 बच्चों की बात वो कर रहे हैं। तो ये बड़ा विषय है, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप नरसिंह घोटाले और तमाम घोटालों से ध्यान मोड़ने के लिए बयान देने लगे। देख रहे हैं दखल न्यूज़।